Assalamu alaikum students, how are you? Fine, alhamdulillah. I hope you all are doing great in your studies. Okay, in the previous lesson we read about type 3 and type 4. Type 3 is a square plus 2ab plus b square. A square minus 2ab plus b square. And type 4 was a square minus b square is equal to a minus b a plus b. Today we learn type 5, which is a combination of type 3 and type 4. इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को यूज करेंगे तो हमारे पास टाइप 5 बनेगी. टाइप 5 क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. यहां तक हमारे पास टाइप 3 है और ये जो है ये पार्ट दिस इज टाइप 4. दिस इज टाइप 3 एंड दिस इज टाइप 4. तो इन दोनों को कोलैबोरेट करके हमने टाइप 5 को यूज करना है. ओके, कैसे? सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में टाइप 3 अप्लाई करेंगे और उसके बाद जब टाइप 3 हो जाएगी हमारी डन, देन वी विल अप्लाई टाइप 4. See the example for further understanding. Type 5, general form of type 5 is a square plus 2ab plus b square, ये minus भी हो सकता है, minus c square. For example, see this example. A square minus 2ab plus b square minus 4c square. ये हमारे पास एग्जांपल है. इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग टाइप 5. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसका स्क्वायर कंप्लीट होता है या नहीं. उसके लिए हमने ए स्क्वायर, यहां माइनस है सेकंड टर्म के साथ, तो माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ये माइनस ये वाला, और ये जो है इसको भी हमने कोशिश करनी है कि ये होल स्क्वायर में आ जाए. सी इज ऑलरेडी स्क्वायर तो ये सी स्क्वायर. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. बी ए यहां आएगा ए स्क्वायर, इसको भी छोड़ दें, बी क्या आएगा? बी स्क्वायर. तो यहां हम क्या लिखते हैं इन दोनों को? जी, यहां तक क्लियर है? हमने क्या किया है, फर्स्ट 3 टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट किया है. फर्स्ट 3 टर्म्स पे हमने क्या अप्लाई कर दी है? टाइप 3. माइनस जो है इसको हमने भी एज इट इज लिखा रख दिया. अब हम क्या करेंगे? This is equal to a minus b square. ये a minus b का फॉर्मूला बनेगा ना, a minus b whole square minus ये 2c square as it is. ये हमने कैसे लिखा है? According to type 3. Type 3 में हमारे पास यही होता था ना कि आपके पास जो टर्म्स हैं उनका आपने फॉर्मूला स्क्वायर कंप्लीट करना है. स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर में लिख देते थे,
विद साइन जो भी आपका टू के साथ होता था। अब यहां भी और ये माइनस टू सी स्क्वायर एज इट इज। अब हमारे पास ये पूरी चीज है ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। अब आपके पास ये बन गई है टाइप फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि इस पे टाइप फोर अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई है टाइप फाइव फोर। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द टाइप फाइव। इसको हमने कैसे फैक्टराइज करना है टाइप फाइव को? फर्स्ट ऑफ ऑल विल अप्लाई टाइप थ्री, देन विल अप्लाई टाइप फोर। इस तरह से ये दोनों टाइप्स की कोलैबोरेशन से टाइप फाइव आपके पास बनती है। सी अदर एग्जांपल। Complete the square. Square complete करने के लिए हम पहले स्केच बना लेते हैं। माइनस के बाद आपके पास इसका होल स्क्वायर होगा, सी का स्क्वायर होगा सी, नाइन किसका है थ्री। चलो यहां क्या आएगा आपके पास, ए है तो ए का स्क्वायर ए, फोर किसका स्क्वायर होगा टू का, गुड। बी स्क्वायर, बी किसका स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, यहां क्या आएगा ये और ये टू ए इंटू बी। चलो अब इसके बाद फॉर्मूला बनाए जरा, क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको और इसको लिखते हैं, जो साइन यहां होता है ये दरमियान में आता है, ऐसे ही करते थे ना हम। माइनस थ्री सी स्क्वायर एज इट इज, ये हमने बाय यूजिंग टाइप थ्री लिखा है। नाउ वी अप्लाई टाइप फोर। चलें टाइप फोर अप्लाई करें एंड टेल मी द फाइनल आंसर। टू ए प्लस बी इज ए एंड थ्री सी इज बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको कैसे लिखेंगे? विल राइट इट एज टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी, एक दफा प्लस में और एक दफा हम इसको लिख देंगे माइनस। सो दिस इज द फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन सम। पहले आपने क्या किया है, टाइप थ्री को अप्लाई किया है सेकंड स्टेप में, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, टाइप फोर को अप्लाई करना है टू फाइनल फैक्टराइजेशन। ओके, सी अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन सी स्क्वायर। चल ट्राई टू डू दिस एग्जाम्पल।
16 से स्क्वायर को यहां लिखना है, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड सी स्क्वायर इज सी. जी ए को क्या लिखेंगे, सिंपल ए. 9 बी को क्या लिखेंगे, 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का. यहां आपके पास क्या आ जाएगा ए, यहां क्या आ जाएगा आपके पास 3b. आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास 6ab आता है या नहीं. 3 2 टाइम 6ab याद ही ना टर्म. अब जब हम टाइप 3 को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 4c होल स्क्वायर. अब आप इनको फैक्टराइज कर लें दोबारा से बाय यूजिंग टाइप 5. एक दफा उसको प्लस में लिख दें, एक दफा उसको आप सब्ट्रैक्शन के साथ लिख दें. सो राइट दिस एंड टेल मी द फैक्टर्स. जी फर्स्ट फैक्टर इज ए प्लस 3b माइनस 4c एंड द सेकेंड फैक्टर इज ए प्लस 3b प्लस 4c. ओके ग्रेट. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल. सी सम मोर एग्जाम्पल. What will be the first step? First step is to apply type 3. So, can I apply and then tell me? To apply type 3, first of all, we'll make the sketch. यहाँ क्या आएगा? X. यहाँ क्या आएगा? 4 का स्क्वायर होता है 2y स्क्वायर और इधर आ जाएगा x, यहां आ जाएगा 2y. यहां आपके पास x x स्क्वायर, y y स्क्वायर और 9 का स्क्वायर क्या होगा 3. अब आप इससे टाइप 3 का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, x माइनस साइन दरमियान में है माइनस आएगा, माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर. नाउ अप्लाई टाइप 4. व्हेन विल अप्लाई टाइप 4 तो क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 2y माइनस 3xy एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 2y प्लस 3xy. इज इट क्लियर?
तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइप थ्री को अप्लाई करना है. उसका फॉर्मूला जब आपके पास बन जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, देन कम्स टाइप फोर. फिर आपने उस पर टाइप फोर को अप्लाई कर देना है कि वो किस तरह से स्क्वायर्स बनेंगे, और फिर आप उनको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे. इज इट ओके? ओके, सी वन मोर लास्ट एग्जांपल. नाइन ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन सी स्क्वायर type 5, 4 and tell me the factors. माइनस सिक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन सी स्क्वायर. सबसे पहले हमने टाइप थ्री को अप्लाई करने के लिए स्केच बना लिया, वहां वैल्यूज पुट की, और जो होल स्क्वायर्स में लिखने वाली टर्म्स थी उनको हमने होल स्क्वायर्स में लिख दिया. उसके बाद क्या करना है, हमने होल स्क्वायर में लिखने के बाद हमने उस पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 3a माइनस बी एंड माइनस 4c स्क्वायर जो था वो एज इट इज रहा. अब हमने क्या किया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे अप्लाई किया फॉर्मूला 3a माइनस b माइनस 4c एंड 3a माइनस b प्लस 4c. So students, now your assignment is to do exercise 6.6, question number 1 till 5. This is your assignment. If you find any difficulty, you can ask me. I am here to help you. Okay? Thank you. अपना जो काम है पिछला वो आप जरूर complete कर लीजिएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो you can ask me. Allah Hafiz.